नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई प्रभाग समिति आई कार्यालय के ठीक सामने अनाधिकृत निर्माणकर्ता द्वारा गरीब स्टॉल संचालक दिव्यांग को किया जा रहा प्रताड़ित। दिव्यांग ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की लगाई गुहार। वसई वीरार मनपा के प्रभाग समिति आई कार्यालय के ठीक सामने एक अवैध निर्माणकर्ता द्वारा एक गरीब स्टॉल संचालक दिव्यांग को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, वीडियो में जो टूटा हुआ स्टॉल दिखाई दे रहा है, यह टपरी एक दिव्यांग की है जो पिछले कई सालों से इसी जगह पर मौजूद है। इस टपरी पर दिव्यांग का एक व्यक्ति चाय बनाकर बेचने का धंधा करता है, जिससे टपरी मालिक अपना स्वरोजगार चलाता है। इस टपरी के ठीक पीछे हाल ही में मनपा की किसी भी तरह की परमिशन के बगैर एक दो मंजिल घर का निर्माण जारी है। उस घर के निर्माणकर्ता मालिक द्वारा टपरी के मालिक को डराया धमकाया जाने का आरोप दिव्यांग टपरी मालिक लगा रहा है। दिव्यांग टपरी मालिक ने बाकायदा वसई पुलिस थाने में पत्र देकर भी अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल टपरी मालिक और उसके परिचितों का आरोप है कि पिछले कई सालों से टपरी एक ही जगह पर स्थित है और वो ज़मीन मनपा की अपनी ज़मीन है, जबकि पीछे जिस घर का काम चल रहा है वहाँ पहले भी घर था जिसका अपना रास्ता पीछे की ओर से था। अभी जब घर मालिक ने इस घर को फिर से बनवाने का काम शुरू किया तो अपने घर का रास्ता यहाँ आगे से बनाते रात के समय में टपरी को तोड़ने की कोशिश की। दिव्यांग एवं उनके परिचित ने पुलिस में व मनपा में पत्र भी दिए जाने की बात कही। इस मामले पर मनपा में अनाधिकृत बांधकाम विभाग ने भी बगैर कैमरे के घर मालिक द्वारा किसी तरह की परमिशन नहीं लिए जाने की बात कहते हुए दिव्यांग के साथ हो रहे अन्याय पर दिव्यांग का साथ देकर न्याय दिलाने की बात कही। साथ ही निर्माणाधीन अनाधिकृत बांधकाम को नोटिस देकर आगे तोड़क कार्यवाही करने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। आपका नाम क्या है? हरी शंकर। आपको क्या तकलीफ है? अभी बाजू वाला तोड़ने लगा है, 22 वर्ष हो गए उधर धंधा कर रहा हूँ मैं। किस चीज का धंधा आपका, क्या है? चाय का धंधा है और मैं एक कामगार रखा हूँ, उस वो मेरे को पगार पैसा देता है 2000 रुपया महीने का। वो अभी शारीरिक रूप से आपको क्या तकलीफ है? अभी इधर मारा भी रहा, मारने की धमकी दी हुई जी। कल मैं बोलने गया है, तोड़ने को गया है, अरे हम ऐसा। आपका नाम? राजेश केसरकर। राजेश जी, ये इधर का जो टपरी का मामला है, आपने भी कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट करा है, क्या विषय है? ये है हैंडीकैप की टपरी है मेरे भाई की, उसका एक 18 साल से एक उत्पन्न का से जरिया है, उसने उधर चाय की टपरी डाल के दी हुई है। लेकिन अभी अनाधिकृत बांधकाम आय प्रभाग के सामने उसका घर बनाया गया, तो उसका पहले से वो साइड से 40 साल से रास्ता है, तभी उसने जानबूझ के इसने यहाँ से रास्ता बनाया और इसकी टपरी तोड़ने के लिए उसको धमकी दी गई। तो ये क्या रास्ता वगैरह लीगल है पूरा? नहीं, लीगल नहीं है, अनलीगल है। बांधकाम भी तो बता रहे हो 22 साल से, तो इसमें महानगर पालिका का क्या रोल है? इसमें महानगर पालिका का कुछ रोल नहीं है, महानगर ने अभी तक कुछ उसको खुद मालूम भी नहीं। छुट्टी के दिन इन लोग ने पूरी दीवार तोड़ी गई और घर भी ये लोग दादागिरी के हिसाब से चल रहे, और एक हैंडीकैप को मारने की धमकी दे रहे, जान से मारने की, तेरी टपरी हटा दे नहीं तो मार देंगे। हम लोग ने उसके बारे में पुलिस स्टेशन में एक लेटर दे भी दे चुके हैं। क्या मांग है? क्या मांग? यही है, हमारी टपरी रहनी चाहिए, उसका किसी को तकलीफ नहीं है। ये जानबूझकर ये लोग तकलीफ देना चाह रहे, एक अपंग को उसके रोजगार से अलग कर रहे, यानी वो भीख मांगे रास्ते पे, ऐसी गत लाने को कर रहे वो लोग। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।